ट्रांसलेशन सेक्शन है, और यहाँ पर ये समझना है कि ट्रांसलेशन सेक्शन इस तरह का आता है आपका 7-8 नंबर का, कैसे करना है अब, और यहाँ पर आपको किस चीज़ की नीड होती है ना, यानी कि ट्रांसलेशन डायरेक्ट, क्या यहाँ डायरेक्ट शुरू करें या इसके पहले कुछ और है जिस पर काम करना है, ये समझना है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ट्रांसलेशन में, सेपरेट तो आएंगे नहीं, तो क्वेश्चन क्या डायरेक्ट सारे से शुरू किया जाए या कुछ अलग से किया जाए, तो अभी बताया जा रहा है। देखो यहाँ किस किस चीज की जनरली नीड होती है, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके बारे में बात हो रही है, एक योग्य टीचर थे, यहाँ थे आ गया, गांधी जी एक महान नेता थे, वाज या वर का यूज आ गया, क्लियर है। मैंने वाज या वर वाला पढ़ाया, अभी ट्रांसलेशन शुरू ही किया था कि आप लोग का क्वेश्चन ये हेलो फैजाबाद से आया है ना, आकाशवाणी से, कि ट्रांसलेशन बताया जाए, तो ये तो हो गया है ना, ये तो मैंने बताया है। यहाँ से दिमाग आपका बिल्कुल काम करेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक नाम है तो वाज लगेगा, भले थे है वर नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज, हाँ यहाँ पर योग्य टीचर थे तो वाज एंड, अब देखिए योग्य की इंग्लिश क्या होगी, तो योग्य की इंग्लिश एक तो एबल होती है, या बोल सकते हो एक्सपर्ट बोल सकते हो, है ना, एक्सपर्ट, तो वाज एन एक्सपर्ट टीचर या वाज एन एबल टीचर, ये क्लियर है। पहला वाज या वर पर है, अगर इसके पहले आप वाज या वर को अलग से पढ़ लो तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस आएंगे कितने भी घुमा फिराकर गलत नहीं होगा। मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि पहले इसे इस पर नहीं पहुँचना है, पहले अलग अलग सेपरेटली रूप से इज एम आर वाज वर will be, shall be, used to, should, must, ought to, need, dare, केवल कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व करना होगा। अब समझ में एक्सरसाइज क्यों करवाया जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप सॉल्व की रहोगी, जैसे ही मिलेगा तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे ये तो वाज या वर वाला है ना। नौ एक्सरसाइज दिया गया आप लोग को, मंडे को कुछ मैंने बोला भी है। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर या वाज एन एक्सपर्ट टीचर। अब देखिए कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, यहाँ देखिए है ना, पढ़ने आते थे, यहाँ से आपको पहचानना है कि क्या कोई टेंस है या कोई की, या क्या कोई यूज है, दो मिलेगा, या तो कोई टेंस रहेगा या तो यूज रहेगा। अब बताइए आते थे, बताइए क्या आते थे, ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चा, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, मैनी, और मैनी के साथ में प्लूरल नाउन लगता है, याद आया, मैनी स्टूडेंट या मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, अभी कल बताया गया था मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, तो क्या हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स, अब देखिए उनके पास आते थे, तो मैनी स्टूडेंट्स आते थे, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैनी स्टूडेंट्स केम, केम का मतलब क्या हो गया, आते थे। अब प्रश्न है क्या करने आते थे, पढ़ने या सीखने, तो केम टू लर्न या केम टू स्टडी या केम टू रीड, जो आप चाहो वो कर सकते, केम टू स्टडी, पढ़ने आते थे उनके पास, है ना। अब बताइए उनके पास यहाँ पर क्या होगी, जरा से ट्राई करो आप लोग, उनके पास आते थे टू हिम, है ना, टू हिम, या उनके साथ आप बोल सकते हो विद हिम, उनके साथ, उनके साथ नहीं रहेगा बल्कि उनके पास, यानी कि टू हिम उनके पास आते, समझ में आया, इतना क्लियर है, ये चीज हो जाएगा, या उनसे पढ़ने आते थे, ये भी उनके पास तीन तरीका है, टू हिम आप बोल सकते हो, या आप सीधा बोल दो फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम का मतलब उनसे पढ़ने आते थे, उनके पास पढ़ने का मतलब क्या, उनसे पढ़ने आते थे, तो फ्रॉम हिम आप बोल सकते हो, क्लियर है, चाहे फ्रॉम हिम बोल दो या टू हिम बोल दो, दोनों सही है, लेकिन विद हिम थोड़ा सा गलत हो जाएगा, विद हिम का मतलब उनके साथ पढ़ने आते थे, नहीं नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनको पढ़ाते थे ना, तो दो तरीका, या तो फ्रॉम हिम या तो टू हिम, ज्यादा बेस्ट है फ्रॉम हिम, क्योंकि फ्रॉम हिम का सेंस निकल रहा है उनसे, उनसे पढ़ने आते,
क्लियर है, समझी इतना। मैनी स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने एक तरीका भी बताया था, ये सब्जेक्ट है मैनी स्टूडेंट्स, फिर पीछे से आ जाओ, आते थे केम टू स्टडी उनके पास फ्रॉम हिम या टू हिम, समझ में आया। अब देखिए पहला वाज एवर, दूसरा पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। अब पास्ट इंडिफरेंट टेंस नहीं पता रहेगा, एक रट्टा मार लोगे बच्चा ट्रांसलेशन का, इतने इतने पैसेज हैं, हर साल नए नए पैसेज आते रहते हैं, कितना आप रट्टा मारोगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से तो कवर करना ही होगा, लेकिन विद एक्सरसाइज, क्योंकि समझने में तो आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज में पता चलेगा, वहां हंसोगे देख कर ही पागल हो जाओगे, अबे समझने में कितना आसान था, है ना, जब एक्सरसाइज करने बैठे वहां दिमाग की बत्ती गोल, यही होता है जनरली। चलो, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया, आया आया, कौन सा टेंस, आया, आई, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या थी, रिवीजन नहीं किए हो, पढ़ाया गया था वो भी नहीं रिवीजन, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, आइए, शर्माइए, खाना खाइए, लेकिन तुरंत भाग जाइए, दोबारा शकल मत दिखाइए, है ना, ये तो था आ, ई, ए, तो ये है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। फिर से कौन सा टेंस आ गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, किसके बारे में बात हो रही है, एक वृद्ध पुरुष भी, तो इसका क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन आल्सो, एन ओल्ड मैन आल्सो, फिर केम टू रीड फ्रॉम हिम, देखो कितना इजी हो गया कि नहीं, देखिए एन ओल्ड मैन आल्सो, एक वृद्ध पुरुष भी केम आया टू स्टडी पढ़ने के लिए, फ्रॉम हिम उनसे या टू हिम उनके पास, समझ में आया इतना, इतना क्लियर है। ये भी देखिए, ये दोनों पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो गया। अब देखिए, विद्या सागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, दिया कौन सा टेंस, अभी काटेंगे तुम सबको, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अभी वही आया, वहां सोच रहा कौन सा टेंस बताए, तो आ का मात्रा है ना, तो वचन दिया, अभी यहां तक करते हैं, एक सेंटेंस तो यही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्या सागर, है ना, विद्या सागर प्रॉमिस्ड, देखिए प्रॉमिस मींस क्या होता है, वचन देना, तो जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस्ड पढ़ाने का, टू टीच हिम, यहाँ टू टीच होगा, है ना, क्योंकि पढ़ाने की इंग्लिश टीच होता है, तो विद्यासागर प्रॉमिस्ड टू टीच हिम, टू टीच हिम, विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, किंतु, अगर मगर लेकिन, किंतु परंतु, है ना, अब ये कौन सा है, कंजंक्शन है, किंतु की इंग्लिश बट होगी, लेकिन क्योंकि की इंग्लिश बिकॉज होती है और की इंग्लिश एंड होती, अब पूरा कंजंक्शन में कई सारा लिस्ट है, बट, एंड, नॉर, येट, आल्दो, दो, ये पूरा कंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट कवर करना होगा, क्लियर है, अभी तो इजी है, कर ले जाओगी, थोड़ा सा अगर कठिन आ जाएगा तो फंस जाओगी, इसलिए अलग अलग पहले कॉन्सेप्ट कवर करना होगा, तभी ये दिमाग काम कर पाएगा, क्लियर है, एक दो तो है नहीं, तो किंतु की इंग्लिश बट होगी, चलो ये बट हो गया, और कंजंक्शन मतलब पंडित सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, याद आया, भले तुम जुड़ो या ना जुड़ो, ये जोड़ देंगे, क्लियर है, चलो तो किंतु तो हो गया, उस वृद्ध को व्याकरण कठिन लगता था, लगता था, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जियो बहादुर खद्दर धारी घर को लूटो बारी बारी, अरे बच्चा लगता था, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अभी इसके पहले कवर हुआ, सर वो था नहीं देख, अरे कहाँ दिमाग है तुम्हारा, ये बताओ, हाँ भाई देखो, अब यहाँ पर देखिए, उस वृद्ध को, यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, उस वृद्ध को, तो डेट ओल्ड मैन, डेट ओल्ड मैन, व्याकरण कठिन लगता था, तो डेट ओल्ड मैन, देखिए लगता था, यानी कि उस वृद्ध पुरुष ने व्याकरण को कठिन पाया, व्याकरण को क्या पाया, कठिन पाया, तो डेट ओल्ड मैन फाउंड, फाउंड मीन्स पाया, फाउंड क्यों लगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, फाउंड डिफिकल्ट, फाउंड डिफिकल्ट द ग्रामर, या फाउंड द ग्रामर डिफिकल्ट, फाउंड
डिफिकल्ट द ग्रामर सेक्शन। समझ में आया? देखिए, डेट ओल्ड मैन, इसका मतलब उस वृद्ध पुरुष ने, ठीक, फाउंड मीन्स पाया, या उसे लगा या उसे मिला, क्या पाया? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट किसको? या ग्रामर, ग्रामर को। या दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? ग्रामर सीम्ड डिफिकल्ट फॉर डेट ओल्ड मैन। देखिए, ग्रामर सीम्ड लगता था डिफिकल्ट, कठिन, फॉर डेट ओल्ड मैन, उस वृद्ध पुरुष के लिए। तो थोड़ा सा ये देखो, कोई लकीर के फकीर नहीं, घुमा फिरा सकते हो, बस सेंस एक आना चाहिए बस भाई। चाहे देखिए, ग्रामर इसको सब्जेक्ट मान लो ना, ग्रामर अपियर्ड या ग्रामर सीम्ड लगता था, है ना, ग्रामर सीम्ड डिफिकल्ट, ग्रामर कठिन लगता था किसको? उस वृद्ध पुरुष को। तो द ओल्ड मैन उस वृद्ध पुरुष को, क्लियर है? या दूसरा तरीका, डेट ओल्ड मैन, उस वृद्ध पुरुष ने ग्रामर को कठिन पाया, ये सेंस, इस सेंस पर। तो डेट ओल्ड मैन फाउंड डिफिकल्ट द ग्रामर सेक्शन। समझी इतना? दो तरीका है, दोनों समझ में आए कि नहीं? अच्छा, ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग सेंटेंस है, देखकर घबराना नहीं, पहले छोटा छोटा बनाना है। कितना बन गया? किंतु इंग्लिश, फिर यहाँ पर इसका दो तरीका है, समझी? फिर आगे क्या? विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? नहीं, सर। अरे देखिए, लिखी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? अब ये लॉन्ग सेंटेंस मत देखो कि विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी। अभी मारो गोली, लास्ट में देखो कहा है लिखी। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। विद्यासागर ये काम कर रहे हैं, तो विद्यासागर फिर पीछे से आ जाओ ना, एक तो तरीका मैंने बता ही दिया, नंबर तो दिया है ना, डायल करो, बतियाओ आराम से, ठीक है? तो देखिए, विद्यासागर फिर पीछे साजो, लिखी यानी कि रोट द बुक ऑफ ग्रामर। इतना क्लियर है? देखिए वही 98-76-54-32-10 नंबर है ना, डायल कर रहे हैं। देखिए, विद्यासागर पीछे से आना है, रोट द बुक ऑफ ग्रामर के लिए, यानी कि फॉर सुविधा, कन्वेनियंस। कन्वेनियंस मीन्स क्या होता है? सुविधा। तो फॉर कन्वेनियंस ऐसे विद्यार्थियों के लिए, तो सच टाइप ऑफ स्टूडेंट, कन्वेनियंट सच स्टूडेंट, है ना, हाँ सच स्टूडेंट्स बोल दो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट्स रहेगा लेकिन, क्लियर है? इतना समझ में आया? या सीधा आप कर सकते हो फॉर कन्वेनियंस, नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर बेनिफिट, ये भी बोल सकते हो ना, लाभ के लिए, फॉर यूजफुल, कई तरीका है। तो फॉर बेनिफिट ऑफ सच स्टूडेंट्स का की के की इंग्लिश ऑफ कर दो, तो ऑफ ऐसे विद्यार्थियों की इंग्लिश होगी सच स्टूडेंट्स, ऐसे दोस्त, सच फ्रेंड्स, है ना, ऐसे, ऐसा देश, सच कंट्री, ऐसे दुश्मन, सच एनमी, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? देखो कितना इजी हो गया, लेकिन अगर आप ये देखे हो तो इतना लॉन्ग है, तो बन पाता नहीं। बात हो रही विद्यासागर के बारे में, विद्यासागर पीछे से आओ, रोट मीन्स लिखी, द बुक ऑफ ग्रामर, ग्रामर की किताब, है ना, के लिए यानी कि फॉर सुविधा, कन्वीनियंस, नहीं समझ में आ रहा, बेनिफिट कर दो, है ना, ऑफ सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उन्होंने किताब लिखी। समझ में आया इतना? फिर आगे आ जाओ, यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है, कौन सा टेंस है? हाँ, कौन सा टेंस है? हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन 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 ध्यान दो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो आप लोग पढ़े हो ना वो नहीं है, क्योंकि जो आप लोग पढ़े हो ना, आपके अनुसार होना चाहिए जाती है, यानी कि ये होना चाहिए देश, बुक, है ना, जाती है, अच्छा सिंगुलर है तो गोज, ठीक, और पढ़ाई तो टू, टीच, और इन ओवरऑल या इन होल कंट्री, इन होल इंडिया, समस्त भारत का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, इन ऑल इंडिया, पूरे भारत में, क्लियर है? ये होना चाहिए,
लेकिन क्या ये सही है? नहीं यहाँ थ्रू होगा, थ्रू इंडिया, थ्रू आवर क्या करूँ, थ्रू इंडिया पूरे देश। बताइए क्या है सही है? कोई कह रहा बिल्कुल सही है। सर आप जो बताए थे तो ये कह रहे बिल्कुल नहीं सही है। बिल्कुल सही है नहीं सही है। देखो यहाँ पर अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए जाते हैं, जाना की इंग्लिश गो मैं लगाओ या सीरियस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाला है। आप लोग ये टेंस नहीं पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का होता है ना। ये जो है ट्वेल्थ वालों को बताया था मैंने, आप लोग को नहीं। देखिए जब ऐसा केस आ जाए जहां पर जाती है जाते हैं जाते हैं, लेकिन गो वाला जाना ना हो, गो वाला जाना ना हो, तब वहां पर लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, ये रूल चलता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का, ये रूल। वो वाला नहीं, यहाँ वो हो जाएगा दिस बुक इज टॉट, टी ए यू जी एस टी, दिस बुक इज टॉट थ्रू होल कंट्री, क्लियर है, या इन होल कंट्री, इन ऑल कंट्री पूरे देश में, या इन ऑल इंडिया पूरे भारत में, समझ में आया। दिस बुक इज टॉट कई तरीका थ्रू आवर इंडिया, या इन होल इंडिया, इन ऑल कंट्री, ये चीज आपको समझ में आया। अब बताइए यहाँ पर कितना कितना रूल लग रहा है, ट्रांसलेशन सेक्शन, एक बार इसको रिविजन करवाते हैं फिर बताते हैं। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, आप लोग भी बताओ क्या हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, मेनी स्टूडेंट्स केम टू स्टडी फ्रॉम हिम। बोलो भाई केम होगा, बोले थे मतलब पहले कम फिर याद। एक वृद्ध, अरे उनको बाद में याद आता है, देखिए एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया, तो एन ओल्ड मैन आल्सो केम टू स्टडी फ्रॉम हिम, है ना। विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, तो क्या हो जाएगा, विद्यासागर प्रॉमिस टू टीच हिम, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, है ना, प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस नहीं होता, प्रॉमिस, तो प्रॉमिस्ड ईडी, हां ईडी, क्लियर है। तो विद्यासागर प्रॉमिस्ड टू टीच हिम, किंतु बट उस वृद्ध को व्याकरण कठिन लगता था, दैट ओल्ड मैन फाउंड डिफिकल्ट द ग्रामर, विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी, तो विद्यासागर रोट द बुक ऑफ ग्रामर फॉर बेनिफिट या फॉर कन्वीनियंस, है ना, ऑफ सच स्टूडेंट, ऑफ सच स्टूडेंट, यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है, तो दिस बुक इज टॉट इन ऑल इंडिया या टॉट थ्रू आवर इंडिया, समझ में आया, इतना क्लियर है। अब बताओ क्या एक ही है, नहीं है ना, इसलिए इसका एक ही तरीका है, एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग पढ़ो, जो भी लगे 10-15-20 दिन, उसके बाद में सारा मिक्सअप करो, खुद आपका दिमाग काम करेगा। अच्छा एक चीज और है, ट्रांसलेशन वाला सेक्शन अगर आ गया बढ़िया अच्छे से, तो याद रखना इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लेवल 80% अपने आप ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन सेक्शन आने का मतलब एग्जाम में अगर हिंदी में मैटर पता है, आप इंग्लिश में आराम से इजीली लिख सकते हो अच्छी वाली इंग्लिश, यही कमजोर है तब सब बंटा धार, है ना, जो कुछ भी है, समझ में आया, इतना क्लियर, किसी कोई समस्या। चलो अब आपके पास टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, 5:07 हो रहा है, देखते हैं 10 मिनट के अंदर यही इसी की इंग्लिश करके दिखाना है किसका सही रहता है तुरंत का तुरंत। चलो किसी को नकल नहीं करना है, चलिए